हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और बस ये वाला ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं ऐसे ही सेम कि इस वाले ब्लॉग में सेम उस दिन के बाद से जहाँ मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत इमोशनल जोन पे फिर वो चीज़ें चली गई, वो आप देखेंगे आगे, चाहे वो अम्मी का हो, मम्मी का हो, दीपिका का हो, सारी चीज़ें हो। तो फिलहाल आप ये वाला ब्लॉग देखिए, ठीक है, और बताइए कि ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। जब से रूहान हुआ बहुत बड़ी बात है, रूहान को पालना, घर संभालना, सब कुछ करना, जितना उसने मेहनत करी कि मैंने देखे उसको, हमेशा ये करो, बहुत समझदार मेरी बहू, मुझे नाज है अपने बहू पे, फक्र है कि मेरी बहू बहुत अच्छी। बहुत खुशी है, बहुत दिल से। अभी इसमें मैं भी ऐड कर दूंगा कि ये तो है कि मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी माएँ जो है वो बच्चे का ध्यान नहीं रखती, सारी चीज़ें नहीं करती, बट जिस तरीके से जिसको इंसान देखता है हमेशा उसी के बारे में बोलता है। जिस तरीके से दीपिका ने पूरा एक साल एक प्रेगनेंसी के दौरान और उसके सबसे ज़्यादा उसके बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी कभी आपको इतना समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता, यस इंटरनल चीज़ें कॉम्प्लिकेशन या तकलीफ, हार्मोन चेंज वो होता है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर होता है अंदर उसके बाद की जो मेहनत, मशक्कत, नींद नहीं मिलना, बॉडी चेंजेस, चिचड़ाहट, पोस्टमार्टम, सारी चीज़ें जो होती है ना, एंड उसके बाद मैं हमेशा इसको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम घर पे, जिस तरह दीपिका बोलती है कि मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं घर पे रह सकती हूँ, ऐसी बहुत सारी चूज कर पाई ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, उनको काम पे जाना पड़ता है, बट वो प्रिविलेज होने के बाद, इतना सक्सेसफुल करियर में अपने पीक पे होने के बाद दीपिका का ये डिसीजन लेना कि नहीं शोएब, मैं जब तक रूहान 2-3 साल का नहीं होता है मैं काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ रूहान को संभालूंगी, आई थिंक ये मुझे आज की डेट में बहुत कम लोगों में देखने में मिलता है। उसके लिए मैं हमेशा इस पे, पहले भी इस पे प्राउड फील करता था और अभी भी इसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जिस तरीके से इसने रूहान को सारी चीज़ें हैंडल करी हैं विदाउट मुझे प्रेशर दिए हुए, इसने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया है कि शोएब, मतलब बहुत सारा होता है ना कि मुझे नहीं झेले, आई थिंक एक ये फर्ज है एक हस्बैंड का, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं उस दौरान, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, ऐसा हो जाएगा, हर बुरी चीज़ में हम उसको अच्छा ही दिखा सकते हैं। तो मैंने बस वही कोशिश करी है, ऐसा नहीं है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसको भी हुआ है, इसने भी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आप समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, 2-2 घंटे में उठना, 3 महीने तो स्टार्टिंग में अम्मी ये लेटी नहीं है प्रॉपर बेड पे शालू, मतलब ऐसे इसने, क्योंकि हर 2 घंटे में बच्चे को फीड चाहिए तो ये ऐसे बैठी जा करती थी, ऐसे सोया करती थी, उस टाइम फिर चिचड़ाहट होती है, चीज़ें होती हैं, तो उसको भी नज़रअंदाज करना, और बस यही बोलता था कि कोई बात नहीं, सब अच्छा है, मैं हूँ साथ में, कोई बात नहीं। तो यस, प्राउड ऑफ यू, आई थिंक हम सब तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तीनों को खुश रखे, तुम्हारी फैमिली, सब तुम्हारी फैमिली, सबसे हमारी फैमिली में सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना हमारा रूहान। यस, और जिस तरीके से सब रूहान को सबने एक साल में जो पूरा पाला है ना, चाहे वो मम्मी हो, मम्मी का बहुत उसमें वो एफर्ट है, मम्मी है, सबा है, बच्चे हैं यहाँ पे, सारी चीजें, तो सबका उतना ही ज्यादा। इट्स ऑलवेज जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं, अभी एक चीज मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि मैं इस जनरेशन की मदर हूं, मुझे अपने बच्चे के साथ कुछ सर्टन तरीके से चीजें करनी थी, तो उसमें अम्मी ने कभी आके मुझे प्रेशराइज नहीं किया, नहीं हम ऐसे करते आते हैं, तुम ये ही करो, जो काफी घरों में होता होगा, एंड इट इज अ चैलेंज फॉर अ लॉट ऑफ मदर्स टू कन्विंस कि अच्छा नहीं, मैं ये तरीका नहीं फॉलो करना चाहती। मुझे और शोएब को सिर्फ एक बार अम्मी को एक्सप्लेन करना होता था, यस अम्मी ने, इवन मेरी मम्मी ने हमेशा, अच्छा पर हम तो ऐसा करते थे, तो वो तरीके का फर्क होता है और वो नएपन को एक्सेप्ट करने का फर्क होता है, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो उस वजह से एक जो जर्नी है पेरेंटहुड की वो और ज़्यादा आसान हो जाती है। कि जैसे मैं ये चाहती थी कि अगर मैं रूहान के साथ कुछ कोई नया तरीका कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अब तक उसे शुगर नहीं दिया है, हमने अब तक उसे नमक नहीं दिया है, तो अम्मी और हमने पानी नहीं दिया उसे 6 महीने, वो चीज़ें अम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत नई थी कि आप बच्चे को पानी कैसे नहीं दे रहे, उसको प्यास लगेगी, एक पहला वरी आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात काट रहे हैं,
क्योंकि उनका थॉट वो है, तो उनको फिक्र होगी कि अरे बेचारे बच्चे का मुंह सूखेगा, उसको प्यास लगेगी, तो तुम क्यों नहीं दे रही हो। वो उनका वरी है बच्चे के लिए, वो भी बच्चे को प्यार करते हैं, बट इट इज कि उनका वो खुलापन, उनकी वो समझ कि हाँ दुनिया आगे बढ़ गई है, हाँ नई नई चीजें आ गई हैं, तो वो समझना वो मेरे लिए बहुत ईजी था। मैंने रूहान को कभी तेल से मालिश नहीं की, जी को तेल लगाओ तो वो और उसकी ताकत बनेगी। उस चीज को अम्मी ने सिर्फ मुझे बिल्कुल नहीं याद, मुझे सिर्फ एक बार याद है कि अम्मी ने पूछा, अच्छा तेल बिल्कुल नहीं लगता, अम्मी ने सिर्फ इतना मुझसे पूछा था। मुझे याद नहीं कि उन्होंने यू नो इस बात को लेके मलाल किया हो कि हाय देखो मेरी बहू तेल से मालिश नहीं करती। ऐसा भी होता है, हम सब जानते हैं ऐसा होता है। तो उस चीज के लिए मैं अम्मी का बहुत हमेशा मैं थैंकफुल रहती हूँ कि अम्मी कभी भी अगर मेरा कोई थॉट प्रोसेस चेंज है या कोई मैं कोई नई जनरेशन के हिसाब से कोई चीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो अम्मी कभी आके उस चीज़ को ना ऐसे एक गलत तरीके से या एक मलाल दिखाते हुए कि हाय या कंप्लेन करते हुए कभी अभी, अभी अम्मी नहीं बोलती। जैसे कि जितना मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं छोटे में कि बच्चे को 2 महीने से या 3 महीने से दाल का पानी पिलाने लगते हैं, और अभी डॉक्टर्स मना करते हैं कि दाल का पानी नहीं पिलाना है, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि बच्चे को 1 साल तक जब तक वो चलने ना लगे। ये तो पहले के थॉट है जो पहले लोग करते आए हैं कि बच्चे को 1-1.5 साल तक रोटी नहीं देना चाहिए जब तक वो चले ना, चीज़ें। लेकिन अभी चीज़ें हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपका बच्चा 1.5 साल में वैसा होना चाहिए कि जो आप डाइनिंग टेबल पर जो खा रहे हो वो खाए, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझा है, लाइक उस पर बहस नहीं हुई है कि नहीं तुम अपनी चला, बहुत से होता है तुम अपनी चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उस चीज़ों को समझा है। तो आई थिंक वो हम सब के लिए फिर ईजी पड़ा है। तो यस, एक साथ कलेक्टिवली सारी चीज़ें, और आज माशाल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर्स हैं, हम लोग हैं, सारी चीज़ें, यही रीज़न है कि माशाल्लाह जो भी रूहान को देखता है उसे यही बोलता है, बोलते बड़े प्यारा बच्चा है। अंकित अंकित पूछो, अंकित साहब ने मुझसे बोलता बोलता भाई पहले बच्चे को देख रहा हूँ जो 1 साल में इतना कुछ खा रहा है, तो उनको टेस्ट बर्ड्स ही नहीं आते उनको, तो फिर बड़े में आदत नहीं होती। और मम्मा एक मिनट आओ, एंड मम्मी का तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा, ये हम सब जानते हैं। तो वही वो होता है ना कि वो बैलेंस जो पूरा है वो इतने प्यारे तरीके से हुआ है। एंड आई थिंक मम्मी भी अपनी लाइफ में इस टाइम का वेट कर रही थी, एंड मम्मी एज ऑफ नाउ इज कम्प्लीटली फ्री, जैसे कि शोएब ने कहा, तो इसलिए मम्मी हर वक्त आ जाना, रहना, रूहान का इतना ख्याल रखना, उसके साथ रहना। बट जैसा मैंने अम्मी के लिए कहा कि अम्मी ने हर चीज़ समझी, वैसे मम्मी ने भी, मम्मी के लिए भी थॉट प्रोसेसेस का वो सारा चेंज था कि मैं चीज़ें काफ़ी नई तरीके से कर रही थी। और कई बार ऐसा होता था कि मम्मी यूज़ टू सी एंड वो करके चुप हो जाती थी, पर मम्मी ने भी कभी मुझे टोका नहीं कि नहीं ये हम ऐसे करते थे तो तुम ये क्यों नहीं कर रही, यू नो। तो वो चीज़ें एक ब्रॉड माइंड से रखना और मुझे सपोर्ट करना कि नहीं ठीक है, जैसे मैं रात रात भर जो है रूहान के साथ सो नहीं पाती थी, मैं जगती थी क्योंकि मैं उसको फीड कर रही होती थी। फिर सुबह जब वो जल्दी से, आज भी अगर वो सुबह उठ जाता है, क्योंकि आज भी रात में मैं उसको 4-5 बार उठती ही हूँ बीच में, तो मम्मी उसको सुबह लेके आके 2 घंटे जो है मम्मी उसके साथ रहती है, तो मेरी वो 2 घंटे की एक बेफिक्री की नींद होती है। नहीं तो आपको हमेशा वो जहन में रहता है कि अरे बच्चा उठ गया, अरे रूहान उठ गया, अरे वो उठ तो नहीं गया कहीं, पलट ना जाए, ऐसे कुछ। तो वो 2 घंटे मुझे पता है, अच्छा हाँ वो मम्मी के साथ है। फिर हर चीज़, चाहे वो ब्लॉगिंग हो जाए, चाहे कुछ मैं पार्लर जा पा रही हूँ, मैं कुछ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कर पा रही हूँ, हर चीज़, ये देखिए चीख रहा है, हर चीज में मम्मी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। थैंक यू। मेरी तो बहुत लाइफ चेंज हुई है बिकॉज ऑफ शोएब एंड दीपिका। आई वाज नथिंग, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। ऐसे नहीं बोलते, मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि देखो वाइफ जब ही सब कुछ कर सकती है अगर हस्बैंड अच्छा हो। और शोएब ने कभी भी मतलब मुझे ऐसा नहीं महसूस कराया कि मैं इसकी मम्मी हूँ। और इनकी फैमिली का तो मैं पहले से ही बोलती हूँ कि मैंने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना अम्मी ने दिया, क्योंकि थी कोई ऐसी मजबूरियाँ कि हम नहीं इसको ज्यादा प्यार दे सके। लेकिन ये घर में आके इसने इतना कुछ पाया है ना कि मैं, और आज मैं इतना कुछ पा रही हूँ कि मैं नहीं बयान कर सकती। और मैं ये प्रॉमिस देती हूँ कि मैं मरते दम तक ये सारी दिल से बहुत ध्यान रखूंगी, मैं दिल से बोलती हूँ सच में। नीचे रहती हूँ, काम रहता है, ये वो तुमने संभाला, तो है तो एक ही, दोनों का एक ही बच्चा, अपने खुशी, अपने बच्चा, हम हो तुम हो कोई भी हो, इसमें क्या है।
हम सब मिलके संभाल रहे हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ शोएब, सबसे पहली बार शोएब, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर लुकिंग आफ्टर मी मोर देन अ मदर। मेरे को ये सबसे ज्यादा खुशी है ना कि जितने भी इनके सारे जो आते हैं ना रिश्तेदार, वो मुझे इतना प्यार करते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि सदियों से ये सब मुझे जानते हैं और सब मुझे अपनों से नहीं इतना मिला जितना मुझे इन सब ने प्यार दिया। और मैं ये दिल से बोल रही हूँ, कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, सच में मुझे बहुत प्यार मिला। जब भी ये आते हैं ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सब मोहब्बत, सब बहन खाला हो, अम्मा तो मेरी नानी को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे अम्मा नानी से लगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल, मैं सबके साथ बहुत प्यार करती हूँ अम्मा। मेरे को बहुत दिन से कहना था पर मैं कह नहीं पाया, आज सब कह दिया, दिल की बात कहना चाहिए। मम्मी हैज सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हर लाइफ, अ लॉट। मतलब मैंने मम्मी को इतना खुश जब से मैंने होश संभाला है, अब आज की डेट में मम्मी जितना खुश और जितना बेफिक्री में जीती हैं, मैंने आज तक मम्मी को अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं देखा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टेज लाइफ का मम्मी के लाइफ में ये स्टेज मैं दे पाई, देख पाई, और वो कहीं ना कहीं रूहान की वजह से है। तो आई एम वेरी हैप्पी, दोनों प्यार दे रहे हैं और मेरी तो ये लाइफ बन गया। तो अभी सब लोग गए हैं, एक्चुअली घर वाले पहले चले गए थे, लेकिन मैं, अंकित, अभिषेक, ये सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बहुत वक्त के बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, अभी 4:30। इस टाइम हम विमेंस में थे, तुम्हारा चेकअप हो रहा था और ये डिसाइड हुआ था कि ECG लगा हुआ था एंड ये डिसाइड हुआ था कि चलो फटाक से अभी सी सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि वाटर ब्रोक हो चुका है एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे चीज़ें, और वाटर पूरा खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। कैसे वक्त बीत गया ना, पूरा एक साल हो गया पूरा और पता नहीं चला। और माशाल्लाह कितने बड़े हो गए ये, है ना। फिर से टिश्यू लाऊं? नहीं। फिर से लाऊं टिश्यू? बोलो। उस दिन हंस रही थी, आज रो रही हो? बस शुक्र अल्लाह हर चीज के लिए, सच में शुक्र। हैप्पी बर्थडे, इंग्लैंड बच्चों को हर तरह की बीमारियों से हिफाजत अता फरमा, अल्लाह चार जानिब से हिफाजत अता फरमा, इंग्लैंड बच्चों को लंबी उम्र अता फरमा, हर तरह की बुरी नजर से हिफाजत अता फरमा। बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गई है कुरान मुकम्मल, और रूहान के लिए आज हमने सोचा था कि हम रूहान के बर्थडे में इंशाल्लाह पहले कुरान मुकम्मल करवाएंगे और रूहान की लंबी उम्र के लिए, ताकि उसको उसकी उम्र लंबी हो, उसकी सेहतमंद ज़िंदगी हो, अल्लाह पाक उसको नज़र से बचाए, उसके लिए हम दुआ कराएंगे। तो वो किया, और हमारा ये प्लान था पहले कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं आसपास के ऑफनेज अगर कोई है तो वहाँ के बच्चों के साथ जाके हम रूहान का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, उनको कुछ ट्रीट देने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर हमने दो चार ऑफनेज पता किया है, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, लेकिन वहाँ का ना मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ या जो भी है, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। क्यों? मतलब उनका ऐसा है कि नहीं आप यहीं से ही लोगे चीज़ें, अगर आपको खाना देना है उनको तो यहीं से ही खाना आएगा, ये वाली शॉप से। अगर आपको उनको कपड़े गिफ्ट करना है तो ये नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म लेकिन यहीं से आएगी, इनको पता है हर चीज़ कहाँ नाप है क्या है ये है। तो ना थोड़ा मन नहीं माना, हाँ ऐसे थोड़े होता है कि हाँ, हम उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों को क्या जरूरत है, बुक्स चाहिए और आप इसी दुकान से बुक्स लेके दे दीजिए, तो ये थोड़ा सा। एंड हम ऐसा करना चाहते थे कि बच्चों का फ़ायदा हो, यू नो, बच्चों को अच्छा लगे या हम उन्हें कुछ अच्छा खिला पाए या बच्चों की ज़रूरत की कुछ चीज़ चाहे, तो वैसा कोई हमें नहीं मिला। शायद हमारे पास वक्त कम था या जो भी, हम नहीं ढूंढ पाए, तो इसलिए हमने सोचा है कि हाँ, मतलब अगर हम उनको कपड़े भी देना चाहें या कुछ करना तो नहीं, आप स्कूल यूनिफॉर्म दे दीजिए, हाँ, और इसी दुकान से दीजिएगा। तो थोड़ा सा कहा कि अगर पता नहीं
शायद आप लोग भी इस चीज़ से अग्री करते होंगे कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है जिसको हम करना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद है, वो खुश हो सके, उनके चेहरे पे खुशी आ सके, उनके चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनको अच्छा एक मील मिल सके, जो जैसा भी उनको अच्छा कुछ पहनने को मिल सके, तो वो फिर थोड़ा सा हम लोग को अजीब लगा, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा डाउट आ जाता है, हो सकता है हम लोग गलत हो, हम लोग तो फिर हमने वी जस्ट वांट टू बी श्योर। और तो फिर हमने दूसरी चीज प्लान करी है कि अभी हमने खाने के पैकेट जो है वो करवाए हैं, ऑर्डर करवाए हैं, अभी आते होंगे इंशाल्लाह, और फिर हम रास्ते में गाड़ी लेके निकलेंगे और जो भी ज़रूरतमंद हमें बच्चे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें दिखेंगे हम उनको एक, मैं नहीं बोल रहा कि हम खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने वाला तो अल्लाह है, जरिया मतलब वही है, हम में से कोई ना कोई आज हम जरिया बन रहे हैं, कभी कोई ना कोई जरिया बन जाता है, कहते हैं कि भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, तो हमारी बस ये कोशिश है कि हम उनको आज एक एक मील हम उनको थोड़ा सा एक अच्छा उनके लिए जो चेंज हो वो दे सके, तो वो बस जाके हम देंगे, और बस यही नियत से कि अल्लाह पाक रूहान के सदके से है ये सारी चीज़ें, अल्लाह पाक उसकी उम्र लंबी करे और उसकी ज़िंदगी सलामत रखे और अच्छी सेहत दे उसको। हाँ जाले हम हैं, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, है ना, आप भी करोगे ना बड़े होके, है ना। हो गया है और कुछ पैकेट्स हमारे पास जो है वो बचे हुए रह गए हैं, तो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं डिनर के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में हम लोग डिनर करेंगे और बस वहीं जा रहे हैं, कल मेरे बर्थडे पे नहीं गए क्योंकि अब एक बैक टू बैक क्या जाना वाली चीज़ है, तो अभी निकल रहे हैं और मैं हो गया हूँ रेडी और आज मैं पहनूंगा जो शूज़ मुझे सबा ने दिए हैं, आज हम ये शूज़ पहनेंगे न्यू सबको इतना ट्रैफिक मिला है ना, इतना ट्रैफिक मिला है कि पूछो मत। क्या बोल रहे हो? काहे के लिए इतना कुछ और डिजाइन सोचा था लेकिन ब्रेसलेट ये देखो अच्छा भाई का भी गिरो ये दो दिन से इनकी रोड स्ट्रीट चल रही है, कल आइसक्रीम आ चुकी है, फ्री आइसक्रीम क्यों है? ये तो हमेशा दीपी हेलो तू अंदर
रूहान वो खाना खा रहा है वो देख, ये हमेशा बिना इतने बड़े बैग के अलावा नहीं आता देख। अभी अगर मैं बोलूंगा नहीं 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 भाई तू लेके जा, नहीं वापस लेके जा, नहीं बोला था ना घर की बात है, घर की बात है। हेलो कैसे हो, कैसे हो आंटी, एक पीस में खा लिया। अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छी लग रही है, सच अच्छी लग रही है। और इसके बाद और भी कुछ एक स्पेशल चीज़ है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।